हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सेट पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लेकर आए हैं। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आज के न्यूज़पेपर में आई है वो सारी की सारी अपडेट हम लोग देख लेंगे। कौन कौन सी अपडेट है वो आपको स्क्रीन पर दिखी रही होगी। तो चलिए देर नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो को। लेकिन जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी लेखपाल का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है, और इसी क्रम में हम बात करने वाले हैं चक्षु पब्लिकेशन की यूपी लेखपाल की बेस्ट बुक के बारे में। आप इस बुक को देख सकते हो, इसमें 1100 से ज्यादा जो है प्रीपीए सिर के प्रश्न हैं, साथ ही साथ दो सॉल्व पेपर भी आपको मिल जाते हैं। ये जो बुक है पूरी तरीके से जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है डिजाइन किया गया है, तो बेस्ट बुक है। ये बुक जो है आपको चक्षु पब्लिकेशन की आपको जो है दुकानों पर भी मिल जाएगी, जो भी बुक स्टोर है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप उस लिंक पर भी क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप कॉल करके भी इस बुक को जो है मंगा सकते हो। तो बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है, ग्राम समाज एवं विकास की जो पुस्तक है। साथ ही साथ मैं आपको अगर बता दूं तो इसके अलावा भी दो बुक और आती है। एक आपको राजस्व लेखपाल की जो है 25 प्रैक्टिस सेट पेपर मिल जाएंगे, दो सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, और साथ ही साथ इसकी एक जो है काफी यानी कि कंप्लीट गाइड जिसको आप बोल सकते हो, संपूर्ण पाठ्यपुस्तक की पुस्तक आपको मिल जाएगी। तो टोटल ये तीन बुक है, इन तीनों बुक को आप ले सकते हो और आप जो है अपनी एक सीट पक्की कर सकते हो। सबसे पहले अपडेट है यूपी टेट परीक्षा पर बड़ी खबर जारी। आप देख सकते हो जैसा कि आपको पता था कि आज 12 तारीख को यूपी टेट परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी होना था, लेकिन जो यहां पर पीएनपी सचिव ने यह साफ बता दिया कि आज जो है एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा, कुछ तैयारियां जो है वो भी पूरी नहीं हो पाई हैं और ऐसे में अभी जो है उसमें समय लग सकता है। यहां पर बताया गया है कि यूपी टेट के प्रवेश पत्र अंकित होगा फ्री यात्रा विवरण, प्रश्न पत्र लीक होने के कारण रद्द हुई 28 नवंबर की यूपी टीटी की नए सिरे से कराने की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। परीक्षा रद्द होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी कि यह परीक्षा नई तिथि में कराए जाने पर परीक्षार्थियों को बस यात्रा की फ्री सुविधा दी जाएगी। अब फ्री यात्रा की सुविधा दिए जाने को प्रवेश पत्र पर अंकित किए जाने की तैयारी है। इस काम में 1 या 2 दिन का समय लग सकता है, इसी कारण 23 जनवरी को होने वाली इस परीक्षा के लिए पूर्व में घोषित कार्यक्रम के मुताबिक 12 जनवरी को प्रवेश पत्र जारी होने में देरी हो रही है। इस परीक्षा के लिए उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक स्तर के 21,65,181 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 28 नवंबर 2021 को परीक्षा के दिन अभ्यर्थी निर्धारित केंद्र पर पहुंच गए थे। परीक्षा शुरू होने के पहले ही प्रश्न पत्र इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया था। प्रश्न पत्र लीक होने की पुष्टि हो जाने पर परीक्षा रद्द किए जाने की घोषणा कर दी गई थी। रद्द किए जाने की सूचना परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने के पहले कई जनपदों में परीक्षार्थियों के बीच प्रश्न पत्र बांट दिए गए थे। प्रयागराज सहित कई जिलों में तो पहले पाली की परीक्षा भी करा ली गई थी। परीक्षा रद्द होने पर परीक्षार्थी मायूस हो गए थे। उस समय परीक्षार्थियों के लिए मुख्यमंत्री द्वारा की गई फ्री यात्रा सुविधा दिए जाने की घोषणा को वैधानिक रूप दिया जाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो फ्री किराया देना है उसकी वजह से अभी लेट हो रहा है, तो जो आज जारी होना था अब उसमें 1-2 दिन का समय लग सकता है। वैसे के लिए कल जारी हो तो ये उम्मीद है कि 15 तक आपका जो है एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। तो ये जो है देखते हैं, हालांकि अभी ओमिक्रोन भी बढ़ रहा है, हो सकता है उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो जाए। चलिए यही अपडेट जो है आप देख सकते हो, यही अपडेट जो है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में भी सेम यही अपडेट लिख करके आई है, और इधर आपने दैनिक जागरण देखा तो ये जो अपडेट है वो बिल्कुल सही है। तो आज जो है एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। चलिए अब वहीं पर बात कर लेते हैं, जो भी परीक्षाएं जनवरी और फरवरी में होने वाली थी उन परीक्षाओं को स्थगित करके मार्च और अप्रैल में लिया जा रहा है। हालांकि अभी यूपी टेट को लेकर के ऐसी कोई अपडेट नहीं आई कि परीक्षा को टाला जाएगा कि नहीं टाला जाएगा, लेकिन और भी जो परीक्षाएं चाहे वो सैन्य स्कूल की हों चाहे जेई मेन्स हो, इन सभी की परीक्षाएं जो है मार्च और अप्रैल में कराए जाने की जो है तैयारी चल रही है। कोरोना के तेज होते संक्रमण और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश की जेई मेन सहित जनवरी फरवरी में प्रस्तावित दूसरी सभी परीक्षाओं को आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। इन्हें अब मार्च अप्रैल में कराने की योजना है। जिन परीक्षाओं की तिथियां जनवरी फरवरी में घोषित हो गई थी उन सभी को अब नई तिथियों की घोषणा तक स्थगित किया जा रहा है। साथ ही जो परीक्षाएं प्रस्तावित थी उन्हें भी आगे बढ़ाने की तैयारी है। यही वजह है कि जेई मेन जैसी परीक्षाओं के कार्यक्रम अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं, जबकि सामान्य तौर पर यह दिसंबर अंत तक जारी हो जाते थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जुड़े सूत्रों के अनुसार जैसे ही संक्रमण में सुधार के पुख्ता संकेत मिलेंगे कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग ये देख सकते हो कि इस बीच जेई मेन्स के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जरूर शुरू हो सकती है, इसकी तैयारी तेजी से चल रही है। माना जा रहा है कि 15 जनवरी के बाद इसे शुरू कर दिया जाएगा। सीएसआईआर नेट, इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा सहित जम्मू और कश्मीर से जुड़ी भर्ती परीक्षाएं कोरोना के कारण प्रभावित हुई हैं। तो बहुत सारी परीक्षाएं हैं जो कोरोना के कारण प्रभावित हो रही हैं। वहीं पर एक अपडेट और आई है कि सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा पर कोरोना का साया। कैप्टन मनोज पांडे यूपी सैनिक स्कूल की कक्षा 7 और 9 में प्रवेश के लिए 16 जनवरी को होने वाली ऑफलाइन परीक्षा को लेकर कोरोना का संकट मंडराने लगा है। मंगलवार को कई अभिभावकों ने खुद और बच्चों को बुखार आने की शिकायत की, साथ ही स्कूल प्रशासन से प्रवेश परीक्षा की तिथि को टालने की मांग की है। तो ऐसे में अब जो है जितने भी छात्र हैं वो सभी लोग अब कोरोना में कोई परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो नहीं पाता है परीक्षा में, और जो कोरोना है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। 90% जो
है कोरोना के मामले जो है उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, अभी इसके बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, यहां पर आप देख लीजिए डीएलएड वालों के लिए एक बड़ी खबर है कि डीएलएड की ऑनलाइन पढ़ाई, कोविड संक्रमण बढ़ने पर विद्यालयों कॉलेजों में ऑफलाइन कक्षाओं के संचालन पर ब्रेक लग गया है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने शासन के निर्देश पर प्रदेश के सभी डीएलएड संस्थानों में 16 जनवरी तक ऑफलाइन कक्षाओं पर रोक लगाकर पढ़ाई के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो आप ये देख सकते हो कि 16 जनवरी तक जितनी भी परीक्षाएं होनी थी उस पर रोक लग गई है और जो ऑफलाइन परीक्षा थी उसको हटा के अब ऑनलाइन परीक्षा की जा रही है। फिर यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने कहा कि सभी राजकीय एवं निजी संस्थानों में पठन पाठन ऑनलाइन संचालित किए जाने के निर्देश दिए हैं। आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए सभी उप शिक्षा निदेशक और संस्थान के प्राचार्यों को पत्र लिखा गया। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। तो जो आपकी ऑफलाइन कक्षाएं चल रही थी अब वो ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी और जो भी पेपर जो है 16 जनवरी तक थे वो सारे के सारे जो है पेपर जो है उसको टालने की जो है यहां पर कोशिश की जा रही है। अब बात करते हैं अगली अपडेट। यूपी में 90% मिलने लगे ओमिक्रोन के मरीज। जैसा कि आपको पता है कि बहुत तेजी से जो है ओमिक्रोन फैल रहा है और इस पर अगर कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाएगा तो हो सकता है स्थिति काफ़ी भयावह हो जाए। तो आप लोग जो है अपना कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करिए, मास्क लगाकर ही बाहर निकलिए और कोशिश करिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। ठीक है, प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तेजी से ओमिक्रोन वेरियंट के मरीज की संख्या में भी तेजी आई है। यूपी में जीनोम सीक्वेंसिंग में मिलने वाले मरीजों के 90% ओमिक्रोन के हैं। डेल्टा व अन्य वेरिएंट पीछे हो गए हैं। 20 दिसंबर तक ओमिक्रोन के 14.44% मरीज मिल रहे थे। 20 दिसंबर तक 215 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई थी। इनमें ओमिक्रोन के 31 और डेल्टा वेरिएंट के 133 मरीज मिले थे। इसके बाद भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट मंगलवार को आई। इसमें 270 सैंपल में 244 में ओमिक्रोन वेरिएंट पाया गया। नए मरीज लखनऊ समेत 37 जिलों में हैं। इनमें लखनऊ में सर्वाधिक 114 मरीज हैं, वाराणसी में 99 मरीज हैं, अन्य जिलों में इनकी संख्या 10 से कम है। तो आप यहां पर देख सकते हो कितनी तेजी से जो है ये कोरोना वायरस फैल रहा है। देश में 2 सप्ताह में संक्रमण जो है 28 गुना बढ़ गया है, यानी मात्र 14 दिन में 28 गुना। इसका मतलब ये हुआ कि पर डे जो है 2-2 गुना जो है वो कर रहा है। तो ये जो है काफ़ी भयावह स्थिति है यहाँ पर। चलिए अब बढ़ते हैं अगली अपडेट को। और कोरोना इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि जो भी हॉस्टल वगैरह थे जहाँ पर छात्र रुके थे उन लोगों को वहाँ से निकलने का आदेश जो है कल ही जारी हो गया था और अब जो छात्र हैं वो बाहर निकलने के लिए यानी हॉस्टल खाली करने के लिए अब मजबूर हो गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि IIT में कैंपस बंद होने के बाद हॉस्टल से जाता छात्र, प्रयागराज में भी यही सारी चीजें हैं, वहां पर भी छात्रों को कहा गया कि अब आप लोग हॉस्टल खाली कर दीजिए। कोरोना में सबसे ज्यादा प्रभावित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्रावास हो रहे हैं। कई जगह पर हॉस्टल में छात्र संक्रमित हुए हैं, इससे अब छात्र खुद ही हॉस्टल जो खाली कर रहे हैं। इसका असर AKTU और लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रावासों में देखा जा सकता है जहां विद्यार्थियों की संख्या आधी हो गई है। शासन ने COVID-19 के बढ़ते मामलों के देखते हुए 16 जनवरी तक सभी क्लास ऑनलाइन करने के निर्देश दिए हैं। AKTU से जुड़े कई कॉलेजों ने अपने यहां हॉस्टल खाली करवाए हैं। कुछ जगह पर सिर्फ फाइनल ईयर के ही छात्र रह रहे हैं। जहां हॉस्टल नहीं खाली करवाए गए वहां पर विद्यार्थी खुद ही संक्रमण से बचने के लिए हॉस्टल खाली कर रहे हैं कमोवेश। तो ये रही आज की अपडेट। आप देख सकते हो कि कोरोना बढ़ रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए तो इतनी सारी अपडेट थी। अगर आपको अपडेट पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।